हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छी है। दोस्तों इसमें लगभग 1100 से 1100-1200 वैकेंसी निकल के आई है। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो में तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें दोस्तों, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगी, इसी तरह से डेली में वीडियो लेके आता रहता हूँ जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहेगी, ये जॉब रिलेटेड हो या फिर करंट अफेयर रिलेटेड हो या फिर कंप्यूटर रिलेटेड, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो जॉब निकल के आई है वो कहाँ से और क्या इसका डिटेल है। देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोगों का एक वेबसाइट ओपन करके मैं रखा हूँ जिसका लिंक दिया गया है www.becil.com। इसका फुल फॉर्म हो जाता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये अंडर गवर्नमेंट में आता है ये कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो इसका डिटेल आप लोग एक तो फिर गूगल पे डायरेक्ट टाइप कीजिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, या तो फिर शॉर्ट में उसका BECIL मैं टाइप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। BECIL इतना करके इंटर करिए गूगल पे, लिंक आ जाता है, पहले में ही लिंक आ जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है उसका लिंक, इस पर क्लिक कीजिएगा तो होम पेज जो मैं ओपन किया था वही ओपन के होके आ जाता है। या तो फिर आप लोग वैकेंसी में डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो वैकेंसी में चले आइएगा, आप लोग करियर में क्लिक कीजिएगा तो करियर के अंदर में वैकेंसी ऑप्शन बना हुआ है वहाँ पर चले जाइएगा। तो आप लोग अगर करियर में करना चाहते कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग नेक्स्ट बार इसका अगर फॉर्म भरते हैं तो आप लोग खुद से भी इसको नोटिफिकेशन इसका ले सकते हैं। तो देखिए नीचे थोड़ा आइएगा तो आप लोगों का एक ऑप्शन आता है करियर्स, मैंने बताया था करियर्स वहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया गया था उसके अंदर में एक ऑप्शन रहेगा वैकेंसी, मैंने जैसे बताया था इसके अंदर में एक वैकेंसी का ऑप्शन दिया गया है। इसमें बहुत सारे वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, फिलहाल मैं लेटेस्ट जो निकल के आई है इसके बारे में बता रहा हूँ, ये वाला। तो इसको मैं व्यू ऑल डिटेल कर देता हूँ तो इसको देखिए एक PDF डाउनलोड होके आ जाता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ जितना हो सके, शॉर्ट में बता दूंगा और उसका इंपोर्टेंट जो है यही बता दूंगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको डिटेल देख लीजिएगा। ये जो डेट है देखिए 6/6/2019 का दिया गया है, वेबसाइट जिससे मैंने बताया www.becil.com ये दिया गया है। ये आप लोगों का ऑफिस का यहाँ पे देखिए दिया गया है सेक्टर 62 नोएडा दिया गया है। तो इसका वैकेंसी डिटेल जो टेबल बन के आता है इसमें क्या क्या है उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। पहला सीरियल नंबर, डिजिग्नेशन और आप लोगों का क्राइटेरिया दिया गया है, उसके बाद रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आप लोगों का कितने हैं वो चीज दिया गया है। आप लोगों का सैलरी राइट साइड में मेंशन है। पहला ऑप्शन दिया गया है देखिए मैन पावर में जो आप लोगों का रहेगा स्किल्ड मैन पावर, आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ITI पास होनी चाहिए, NCVT या CVT से आप लोगों का होनी चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। आप लोगों की एज लिमिट इसमें हो जाएगी मैक्सिमम 45। उसके बाद इसकी वैकेंसी हो जाती है 100, देख सकते हैं। सैलरी रेंज हो जाती है 9381.06 यानी कि 9381 रुपीज। नीचे चलते हैं, अगला पोस्ट में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, पूरा डिटेल इसी एक ही टेबल में आ जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला दिया गया अनस्किल्ड मैन पावर के लिए, इसमें आप लोगों की 8 पास ओनली मांगा गया है। तो देख सकते हैं 8 पास वाले भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है देखिए, इसके लिए भी 100 दिया गया है। सैलरी हो जाती है 7613। तो इसमें आप लोगों का दिया गया एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल काम में आप लोगों का होना चाहिए। 55 आप लोगों का मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। थर्ड नंबर में जो दिया गया है स्किल्ड मैन पावर एज स्पेसिफिकेशन, इसके लिए आप लोगों का ITI पास इसमें भी इलेक्ट्रिशियन के लिए मांगा गया है, इसमें भी NCVT SCVT वाले इसको भर सकते हैं। एज लिमिट 45 इसमें भी मांगी गई है। इसमें टोटल 300 पोस्ट निकल के आती है, सैलरी हो जाती है 9381 रुपीज। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, चौथा नंबर वाले को देख लेते हैं। इसमें अनस्किल्ड वाले के लिए जो मैन पावर एज स्पेसिफिकेशन दिया गया है इसमें भी 8 पास मांगी गई है। इस 8 पास में आप लोगों का एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगे गए हैं इलेक्ट्रिकल में, इसमें 55 इसमें भी दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी हो जाते हैं 600, इसके सैलरी रेंज हो जाती है 7613.42।
तो मैं पॉइंट के बाद वाला नहीं बता रहा हूँ, तो इस तरह से ये डिटेल निकल के आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे वैकेंसी, इसमें 600, 300, इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं, 600, 300 दिया गया, 900 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1000 हो जाता है, यहाँ पे 1100, टोटल 1100 वैकेंसी निकल के आती है इसमें। इसका डिटेल और यहाँ पे देख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जो भी है, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ के वन बाय वन स्टेप बाय नेम बता रहा हूँ। यहाँ पे 7वां पॉइंट दिया गया, सिलेक्शन विल बी मेड ए, किस तरह से आप लोगों का रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्म्स के आधार से ये आप लोगों का सिलेक्शन रहेगी। नीचे थोड़ा आइएगा तो इसका 11वां नंबर में जो पॉइंट दिया गया, देखिए आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, जहाँ से मैं विजिट करके इस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, पासपोर्ट साइज, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी डिटेल है सब कुछ आप लोगों का लगेंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी रहेगा नॉन रिफंडेबल रहेगा, 500 रुपये इसका अमाउंट रखा गया है। देखिए इसमें जनरल और ओबीसी के लिए दिया गया है, और 250 रुपीज़ जो दिया गया है ये ST SC और डिजिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए दिया गया है। आप लोगों को ये जो DD बनाना पड़ेगा ऑफलाइन है, ये DD बनाना पड़ेगा फेवर ऑफ, ये देखिए इस नाम से आप लोगों को एक DD बनाना पड़ेगा, ये पेबल होगा जो न्यू दिल्ली में रहेगा, और उसका सारा डिटेल आप लोगों को अटैच करके इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है। ये एड्रेस दिया गया यूपी नोएडा का एड्रेस मेंशन किया गया है। तो लगभग जितने इंपॉर्टेंट थे हम लोग इसको देख चुके हैं। यहाँ पे जैसे लास्ट डेट दिया गया है एक, ये बहुत, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है, लास्ट डेट आप लोगों का होना चाहिए 24 जून तक पहुँचना चाहिए इस एड्रेस में। और नीचे देख लेते हैं डिक्लेरेशन वगैरह ये सब दिया गया है नीचे, और कुछ यहाँ पे फॉर्म निकल के आ जाता है, इसको प्रिंट आउट करके आप लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फोटो देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों का, यहाँ पे नाम लगेगा, यहाँ पे पहले फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है उसी तरह से भरना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों का हो सकता है रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सारे कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारा डिटेल का यहाँ पे जगह दे दिया है, इस जगह पे आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो उसके बाद सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे जो मेंशन किया गया सर्टिफिकेट वगैरह ये सब कुछ देने के बाद आप लोगों का DD वगैरह सब कुछ अटैच करके आप लोगों को उस एड्रेस पर भेज देना पड़ेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट जॉब के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।